अरे चुप रहो, खाना कब दोगे ये बताओ। कुपड़ा कर कुर्ता करता ठीक है। ले बहन हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं घर आ चुकी हूँ, जैसे कि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा यहाँ का मौसम। पैकेजिंग अनपैक करके मैंने उसे सेट कर दिया है, अपनी स्पेस बना दी है घर में। मेरे लिए स्पेस तो था नहीं, तो अपना स्पेस खुद बनाना पड़ा। तो बस अभी मैं फ्रेशन अप नहा धो चुकी हूँ, अब खाएंगे ब्रेकफास्ट। में आज बनाया नहीं है, ओट्स भिगोए हैं, मतलब ओट्स खाने का मन कर रहा था। ऋषिकेश में ओट्स खाते थे तो फ्रूट्स नहीं होते थे, आज फ्रूट्स बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा कि ओट्स भिगो देते हैं। ओवरनाइट सोक ओट्स, पोमग्रेनेट और एप्पल को काट के इसमें डाला है, विच एंड ऑल्सो जैगरी थोड़ा स्वीटनेस के लिए। मैं बनाना भी खाती हूँ उसमें डाल के, बट आई कैन हैव दिस ऑल एट वन टाइम। भी खाते हैं ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, बट आई हैव इट। सो मैं ओट्स खा रही थी, मुझे याद आया कि हम पर दूध भी है, रस भी है, और मम्मी ने परसों बनाया था रबड़ी दूध, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मैं तो बहुत खाती थी मलाई डाल के खाती थी, अभी रबड़ी है तो मैं रबड़ी डाल रही हूँ। यार मैं ना अभी सो के उठी हूँ, और मतलब बचपन से ऐसा पता नहीं क्यों होते आ रहा है कि जब भी मैं सो के उठती हूँ तब घर में कोई होता ही नहीं है, और मैं ढूंढती रहती हूँ मम्मी मम्मी कोई नहीं होता भाई। मैंने अपना नींद का कोटा बचपन में पूरा कर रहा है, के लिए बोलती सो जा करती थी। मैं दीदी सोती नहीं थी भाई, और इतनी ड्रामेबाज थी ना, हम सब सो गए ना, दीदी एक्टिंग करती थी सोने की। जैसे ही हम दोनों सोए मम्मी और मैं, वैसे दीदी फुर खेलने के लिए, मम्मी भी गया दीदी भी गया। मैं उठ के पहनू भाई कहाँ हूँ मैं ऐसे। अभी देखा तो भाई कोमल तो पहुंची हुई प्रेम मंदिर मस्त। ओ बाय द वे गाइस, कोमल का यूट्यूब में चैनल बनाया है उसने, थोड़ा असर पड़ गया है उसका, मेरा थोड़ा आशीर्वाद हो गया है उसमें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मल्होत्रा फैमिली व्लॉग्स। व्लॉग नेक्स्ट डे, सारा काम वाम कर चुके हैं सुबह का, आज है संडे फंडे, और अभी हम खा रहे हैं माल्टे। एक बार पापा का क्या कर रहे थे कि मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे खाते हैं माल्टा की, नमक में डोबा ऐसे खाते हैं, दूसरा ले लिया ऐसे, फिर तीसरा ले लिया ऐसे। मैं बोला ऐसे बोल बोल के खाने को तो मिल नहीं रहा हमें, आप तो सारा डेमो करके खा रहे हो भाई। ये लॉकडाउन की बात है, जब बोला गया था कि माल्टा खाना चाहिए कोविड के टाइम पे। मेरा काम कराना ही नहीं, मतलब खुद ही करना तो कराते क्यों आप? हंसने की बात नहीं है, कैमरा खोलते हंस लग जाती है। कोमल ने व्लॉग चैनल खोला है, मैंने उसको एक चीज बात बताई है, जब भी मम्मी डांट रही हो तो मुंह के सामने कैमरा ला देना, वो डांट एकदम प्यार में बदल जाएगा, एकदम चाशनी मुंह से निकलेगा। यू आर चालाक ब्रो। वैसे मेरी माते कब हंस, अभी हंस नहीं रही थी पर अब हंस रही है। हाय, इसका तो दांत ही टूट गया है बेचारी का। क्या चूहा ले गया क्या? अभी नहीं टूटा, वो तो पहले ही टूट गए। दो टूटे हैं ना आपके आगे दांत? दो टूटे ना दांत? तीन टूटे। एक मम्मी को, पापा को दे देना, एक मम्मी को एक पापा को। थैंक यू। पापा नहीं खाते, उनके दांत पहले ही खराब है। उनके दांत पहले खराब है ला, बच्चों का कंप्लेन आ गया है गाइस, पापा लोग छुट्टी नहीं लेते। अभी हम आए हैं हमारे जिंतन वाला के नदी में, मॉनसून का मौसम है तो बहुत। अबे कितनी जल्दी बोला इसे पानी, ओए आराम ले, देखो देखो उस साइड चल रहे, डाइव मारेंगे उधर से, देख ले मरना, तेरे को डर नहीं लगता? एक्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठंडा है और बहुत साफ है, बस काफी ज्यादा भी यहां पे और टाइम तो होता रहता है। ये देखो नहीं नहीं नहीं, तू तो गया बेटे, जम यार उनमें तो सुधी आ भाई को तो भिगा दिया भाई।
माई को मैंने तो कुछ नहीं करा, उसने भिगा दिया इसे। अबे बारिश हो गया, आ जाओ तो भाई बच्चों। हमारे घर के मतलब 10 मिनट का रास्ता है, बट 5 मिनट के रास्ते में उतर इतनी तेज बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है। वो जो छोटी थी उसका नाम श्रीधा है, मेरा नाम श्रीजना है, मतलब थोड़ा थोड़ा सिमिलर नाम। तो मैं जाने वाली थी रक्षाबंधन के शॉपिंग के लिए, पर बीच में ही टांग अड़ा दी गई है। मैं बोला था कि चलो मुझे लेके चलो, तो एक भी कपड़ा नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, बट इस मोहतरमा ने बीच में टांग अड़ा दी और बोला कि मेरे पास कपड़े है, तो जो मेरे एंगेजमेंट में उठा था ना उसमें से कोई कुर्ती सिला दे। अल्ले अब जाने वाली थी, महंगा हो गया ना, फिर टांग अड़ा दी ना फिर बीच में। बोल रही दो ही जनों को, दो ही तो भाई है, उनको राखी बांधने के लिए भी क्या नया कपड़ा पहनना। अरे यार हद ही मचा दी, एक तो कपड़ा है नहीं ऊपर से। अब काली बिल्ली पे टांग अड़ा देती है ना तब गुस्सा आता है। अभी मस्त तैयार होने की कपड़े खोलने ही वाली थी। मैं घरेलू हो रही हूँ ना, अपने लिए घरेलू हो ना, मेरे लिए घरेलू हो रही है, मेरे लिए घरेलू हो रही भाई। तो कुर्ता को कपड़े ले सिला। अरे चुप रहो, खाना कब दोगे ये बताओ। कपड़ा कर कुर्ता करता ठीक है, खाना कब दोगे, मुद्दे के बाद में हो भाई। मखाने दे रही भाई खाने में भाई। मैं तो घर आके थोड़ा डाइट वाइट हो जाऊंगी, थोड़ी मोटी मोटी हो जाऊंगी, पर यहाँ तो मखाने चल रहे। ब्लाउज निकाल, बात पलट रही होगा। अब खोला है भाई इसने भाई। जब मैं नहीं, मैंने लहंगा ट्राई कर लिया था, पता नहीं कौन जमाने में लाई थी गोपी, जब मैं वृंदावन गई तब लाई थी। भाई साहब उनसे इतना कराओ ना, माँ बेटी ने कि भाई अभी लगाएंगे हम, अभी लेके तो बोल रही कि मैं ब्लाउज भी सिलाऊंगी, पर आज सुबह ही मम्मी ने मुझे बोला था कि ये सिलानी थी तो मैं सिला दूं क्या, मैं सिला दूंगी। तभी मैं देख के हंसी थी मम्मी को। उल्टा उल्ट रही है पागल, क्या कराना है यार तू, जब हर चीज में रिकॉर्ड भी कर दे तो नहीं। आप पता ना क्या कराना है भाई, 2000 रुपए बोल रहे हैं मेरे पास, 2000 रुपए आजकल बच्चों के पास तो पैसे भी रहते हैं ना। टॉपअप मतलब गेम में पैसे डालना है 2000 रुपए, या 200 रुपए है नहीं खुद के पास, बोलो 2000 रुपए डालना है, 500 रुपए लेके आ रखा है। ये रिकॉर्डिंग पता है ना कौन देखता है, मम्मी देखे है मम्मी। 2000 लट पड़ेगी। अरे यार रक्षाबंधन आ रहा भी है पापा, मेरे भाई रक्षाबंधन में क्या देगा, मेरे भाई रक्षाबंधन मुझे लगता है 2000 रुपए मुझे देगा, मुझे लग रहा है। करना तो दिखा रही है हुसन, तेरा तो अब दिखाना जरा। 1 2 ची भाई सबसे गंदा, ये दिखा दो दोबारा, एक बार पूरा सेव करके। 1 2 हुसन तेरा तो बा ची, बहुत ही गंदा। ना टेलर में जा रही मम्मी, उदी ना तैयार होगी मम्मी तो पिकनिक में जा रही लगता है। दीदी को मिला था मिस टैलेंटेड का अवार्ड, मिला था बेचारी को ना, वो मिस टैलेंटेड का तो मिस तो निकल ही है। ले बहन, अबे पागल है मेरा मिस टैलेंटेड। हां गाइस मिस टैलेंटेड की बारी, तो मेरा टैलेंट कोई पहचान पाया था जो मैं भी नहीं पहचान पाई थी गाइस। IMS वाले क्यों देते होंगे, इनको पता नहीं चला गया अभी तक कि मिस टैलेंटेड एक्चुअल भी है कौन। परीक्षा दे दिया और फर्जी मार। ये है शाम में दिन को लंच नहीं किया, तो मैं सोच रही थी कि मैगी बना लूं क्योंकि मौसम भी एकदम सुहाना है, तो और आज संडे भी है। पूछा किसी ने नहीं पूछा, खुद ही वीडियो शॉपिंग करी, मम्मी भी खाई, मम्मी बोल रही थी थोड़ा शॉपिंग करनी है। अबे यार मम्मी कैसे कर, तो मेरे को गैस ही खत्म हो गया। तेल गरम करो हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। हाँ खुशबू अच्छी आ रही है, प्याज ही डाला है बस अभी तक। गाइस मैं तब से बकबक करी जा रही हूँ और कैमरा ही ऑन नहीं था। वेरी गुड बेटा। तो मैं ये कह रही थी किसी किसी को सूपी नूडल्स पसंद होते हैं एक्सट्रीम, जैसे मेरी मम्मी को सूप बहुत पसंद है, मुझे एवरेज पसंद है, जैसे नॉर्मल सूप होना चाहिए, और किसी किसी को एक्सट्रीम ड्राई पसंद है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे बीच का पसंद है, थोड़ा सूप होना चाहिए और मैगी
मम्मी को तो एक्सट्रीम सूप, पर मैं अभी बना रही हूँ तो पर मैं एक्सट्रीम सूप नहीं डाला। और मम्मी ने बोला मैगी खाएगी, मैगी लेके जाए पैकेट वगैरह। कोमल ने बोला नहीं नहीं मम्मी मैगी नहीं खाना चाहिए। तो आंटी बोल रही है तो इन्होंने रखा क्यों है, बोल रही है अरे मम्मी वो तो रखेंगे ही ना, हमें नहीं खाना ना, इतना होना चाहिए, ज़्यादा सूप नहीं होना चाहिए। व्हाट से गाइस, मेरे को तो इतने पसंद है, थोड़ा अनहेल्दी के साथ थोड़ा हेल्दी। So yes, that's it for this vlog. See you in my next vlog. Till then, bye. Love, love.